हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है जी आपका मेरे चैनल फ्लॉलेस रीत में। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पर्पल हॉल। वैसे भी मैंने पहले भी कभी बहुत बार शॉपिंग की है इस ऐप से, और लेकिन वो मेरे एक अलग से चैनल है, उसी पर मैंने वीडियोस अपलोड की थी हॉल की। और अभी मैंने जो भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही बाय किए हैं, मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। एक आधा होगा अगर होगा तो, अदरवाइज सारे जो है मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही हैं। तो चलो जी, बिन विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो पैकेजिंग है ना, ये आप देख ही सकते हैं, इतनी बेकार पैकेजिंग थी ना। पहले मैंने बहुत बार शॉपिंग की है लेकिन ऐसी पैकेजिंग कभी नहीं हुई जैसी इस बार है। पर्पल वालों आगे से सुधर जाओ। चलो जी, पहले हम शुरुआत करते हैं पाउडर से, जो कि मैंने फेस पैक बनाने के लिए मंगवाए हैं। DIY पैक्स मुझे बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो दैट्स वाई मैंने ये प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। और ये पाउडर हैं, तो मैंने सोचा आगे इन फ्यूचर मैं जो भी DIY घर पर मैं यूज़ करती हूँ पैक्स वगैरह, तो मैं आपके साथ भी डेफिनेटली शेयर करती हूँ। चलो जी, पहला है मेरे पास ये सैंडलवुड का पाउडर। पहला ये था, कोई 8 पाउडर हैं इसी तरह के। हम भी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। और सेकंड वन है ये मुल्तानी मिट्टी का। और हाँ, ये वाले सभी प्रोडक्ट हैं जो मैंने, अभी सेल चल रही थी आई हार्ट पर्पल पे, आई हार्ट ब्यूटी सेल, उसी में से मैंने सभी बाई किए हैं। और ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा, इलाइट मेंबर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप ले सकते हो। और सेकंड वन इज़ नेम पाउडर, एंड द थर्ड वन इज़ एलोवेरा लीफ पाउडर था, और लॉटस लॉटस वाला है, और एक है ये तुलसी वाला पाउडर था, और एक ऑरेंज पील वाला। ये तो मैं कल ही ट्राई करूँगी और मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कुछ सोच रखा है इसके बारे में, टीनेजर की DIYs में DIY पैक जरूर मैं बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और नेक्स्ट वन इज़ रोज़ पेटल्स, माई फेवरेट फेवरेट एवर फेवरेट पाउडर है। और ये तो हो गए मेरे पाउडर्स। और पाउडर्स पर भी डिस्काउंट था, लेकिन पहले जब मैंने ये कार्ट में डाले थे तो आई थिंक 3 के साथ 3 फ्री थे MRP पे अगर आप लेते हो, लेकिन जब तक मैंने ऑर्डर किया तो वो निकल चुका था। और इसके बाद है रोज़ हिप का फेस वॉश। इसका तो मैं पहले से फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आया ये। तो इस बार मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था डीप क्लीजिंग के लिए। ये एक बात इनकी बहुत अच्छी है कि ये नो पैराबिन्स और नॉन मिनरल ऑयल्स होते हैं, तो मैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ट्राई कर सकते हो, इनसे कोई भी हार्म नहीं होगा आपकी स्किन को, अच्छा इफेक्ट देंगे आपको। और इसके साथ प्लम की मैंने एलोवेरा जेल बाय की है। पहले मैं पतंजलि की यूज़ करती थी, तो इस बार मैंने हैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखे हैं इसके, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसे भी ट्राई किया जाए। और इसके साथ आईलैश कर्लर, जब मैंने खोला इसकी एक रबड़ निकल चुकी थी, चलो वो तो कोई नहीं, मैं इसे फिक्स कर लूँगी। एंड नेक्स्ट वन है पपाया का स्लीपिंग मास्क, ये मैंने बाय किया है। और मैंने इसका फेस वॉश भी मैंने लिया है इसका, यही कहीं पड़ा होगा, फेस वॉश है। और इसका मैं वो यूज़ कर रही हूँ पिछले 3-4 दिन से, फेस वॉश वो मैंने पहले से यूज़ करना शुरू कर दिया था, और इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। ये हो गया। और इसके बाद है मेरे पास रोज़ हाइड्रेटिंग फेस मास्क। मास्क मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही बाय कर लिए हैं। और इसके साथ है विटामिन सी एंड B3 का फेस सीरम। वैसे भी विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये ग्लो देता है हमको, तो आई थिंक इसके लिए बेनिफिशियल है ये। और इसके साथ है मेरे साथ कुकम्बर एंड लेमन का अंडर आई सीरम। पहले मेरे पास कुकम्बर लेमन का आई थिंक बायोटिक का है, उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो फेस सीरम है, आई सीरम नहीं है। तो मैंने सोचा अंडर आई सीरम जरूर मुझे ट्राई करना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट बार बाय किया है, बाकी सारे प्रोडक्ट 2-3 बार मैं पहले बाय कर चुकी हूँ। और इसके साथ ये मेरे पास ऑरेंज जेल,
ऑरेंज वाले, और आप इसे डायरेक्टली भी रात को आप लगाकर सो जाओ, सुबह आप वॉश कर लो। और इसका सेकंड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने वो रोज़ ऑरेंज वाला पाउडर लिया है, उस एक स्पून वो लीजिए, एक स्पून इसका बीच में डालिए, पेस्ट बनाइए और फेस पर अप्लाई कर लिए। 15 to 20 मिनट आप रख कर उसे वॉश कर सकते हो और रिजल्ट इसका बेस्ट आएगा। अरे हाँ, ये रहा पपाया का फेस वॉश, मैं यूज़ कर ही चुकी हूँ, शुरू कर दिया मैंने, इतनी क्वांटिटी थी इतनी हो चुकी है, बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम फेस वॉश अदर कंपनीज के यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा लिक्विडी होते हैं, लेकिन ज़्यादा ही पानी जैसे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा थिक है। और इसके साथ मैंने मंगवाया था पर्ल का इलिमिनेटर मेकअप बेस, ये भी मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, और इससे लगाकर मैं एक आधा मेकअप जल्दी से जल्दी जरूर मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। खाली और हाँ, मैंने वाओ के अनियन के शैम्पू और ऑयल भी ऑयल हाँ ऑयल भी मैंने मंगवाया था, वो मेरी मदर इन लॉ के पास है, तो वो भी था इसी में, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा। तो जी, ये थी इतनी 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 सारी मेरी पर्पल की शॉपिंग, जो कि पर्पल का हॉल है मेरा। आगे से मतलब नेक्स्ट टाइम भी मैं काफ़ी हॉल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, पहले मैं ट्राई करूँगी पाउडर के, मैं DIY पैक्स बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो, अब इतनी थी वीडियो मेरी, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी फिनिश कर दी वीडियो, और लंबी कोई देखता भी नहीं है भाई, और मेरा न्यू न्यू चैनल है, मुझे भी देखो हमें क्या करना पड़ता है, चैनल शुरुआत की और उसमें ही हमारी काफ़ी ज़्यादा जो सेविंग होती है वो लगनी शुरू हो जाती है, पता नहीं इससे हमें प्रॉफिट कब होगा, हमें कब, क्या बोलूँ अब मैं आपको। चलो जी, बहुत हो गया जी, भी अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, एक नए मेकअप और DIY पैक के साथ, इसके साथ वीडियो करते हैं एंड। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये हॉल पसंद आया होगा, पसंद आना चाहिए भाई, बहुत सारे पैसे लगते हैं हॉल में, आई एम जस्ट किडिंग, लगते तो हैं भाई, किडिंग किसकी। तो चलो, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए हॉल के साथ, तब तक के लिए जी सत श्री अकाल जी, तो अपना ख्याल रखिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।